हाय एवरीवन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ की कौन सी वो गलत फहमियाँ हैं जो कि आपको हो जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी या हो गई है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। डायबिटीज़ होने के लिए आपकी बॉडी में जो हार्मोनल और एंजाइमेटिक जितने भी रिएक्शंस होती हैं उनका फ्लक्चुएशन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी। उससे पहले अगर आप ज़्यादा मीठा खा भी रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। होता क्या है, बेसिकली आपका जो पेनक्रियाज होता है उससे आपका इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। जब इंसुलिन आपकी बॉडी में कम सिक्रीट होता है तब वो डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाता और आपको आपकी बॉडी में आपके ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाती है और आपको डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 1 टाइप 2 टाइप्स की डायबिटीज़ होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका इंसुलिन किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है और वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर अगर आपका इंसुलिन सही से काम कर रहा है और आप ज़्यादा मीठा खा भी रहे हैं तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगी। बट एक बार आपका इंसुलिन डिस्टर्ब हो गया, मतलब उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है कि वो कम सिक्रीट हो रहा है या फिर आपकी जो पेनक्रियाज की सेल्स होती हैं वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाती हैं, उस केस में आपको ज़्यादा मीठा खाना आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। उसमें आपको करना क्या है, आपको देखना कैसे है कि आपको सबसे पहले अगर कुछ डायबिटीज़ के सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में लग रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी में आपको सिम्टम्स क्या होते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपको कुछ इस टाइप का लगता है तो आप पहले अपना चेक कराइए और उसके बाद अगर आपका रीडिंग बढ़ी हुई आती है, आपका फास्टिंग शुगर 100 से अबव आता है तो आपको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ हो जाने के बाद आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा कम से कम खाना है और जो हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं वो उनको आपको नहीं लेना है अपने खाने में।